बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आपका साथ है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे और मुश्किलों से दूर रखे। तहे दिल से दुआ करता हूँ, आप सब भी मेरे लिए दुआ किया करें। व्यूअर्स माशाल्लाह से देख सकते हैं कबूतर जो हैं सारे बैठे हुए हैं और अभी हम खोलेंगे बाहर। 4:20 हो रहे हैं तो अभी हम पानी बाहर निकाल देते हैं। पानी जो है उसे बाहर फेंक दिया है और कबूतर जो है वो बाहर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। हम इसे एक साइड पे रख देंगे, कबूतर जो है उन्हें हम खोलेंगे बाहर। आओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर जो है वो सारे बाहर आ चुके हैं। कबूतर जो है ये बाहर आ गए हैं, तो कबूतर जो है वो बाहर खोल दिए हैं और दोनों जो है नए कबूतर बाहर खोल दिए गए हैं। आप देख सकते हैं एक नया कबूतर ये घूम रहा है और इसी के साथ एक और कबूतर है वो घूम रहा है। तो माशाल्लाह से ये दोनों नए कबूतर हैं, एक ये घूम रहा है और इसके साथ जो है एक दूसरा कबूतर वो ये घूम रहा है, ये जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दो कबूतर और भी नए लेके आए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कौन कौन से कबूतर हैं। एक ये कबूतर नया लेके आया हूँ, इसकी दुम आ रही है, तो ये नर कबूतर है माशाल्लाह से। और दूसरा जो है कबूतर वो ये कबूतर है, छोटी चोंच वाला, वो मस्ती भी कर रहा है आप देख सकते हैं, और ये भी नर कबूतर है। अब ये दो कबूतर जो हैं नए आ चुके हैं, अब इन दोनों कबूतर को इंशाल्लाह खोलेंगे और आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे और उड़ाकर भी आप भाइयों को दिखाएंगे कि किस तरीके से कबूतर जो है ये हुआ है। तो अब जो है मैं सोच रहा हूँ कबूतर जो है आपको हाथ में पकड़ के दिखाऊं मैं कैसे कबूतर है ये दोनों। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला कबूतर है इसे हम छोटी चोंच वाला कबूतर कहते हैं, फालसा कबूतर कहते हैं छोटी चोंच वाला। तो ये लंबे साइज़ का कबूतर है, तो आप इसके पर देखें किस तरीके के पर हैं माशाल्लाह से। और इसके दूसरी तरफ के पर भी जो मैं आपको दिखा दूं, इसमें से ये कली जो है अभी आ रही है इस कबूतर की, तो अभी ये झाड़ करेगा कबूतर। लेकिन अभी हमने जो है इस कबूतर को परचेज करके ले आए हैं और इसे भी अब हम लड़ाएंगे। तो ये वो कबूतर है और माशाल्लाह से ये कबूतर जो है ये इनके साथ का कबूतर है। मैं आपको बता दूं जो हमारे पास कबूतर मौजूद हैं इस टाइम, दो कबूतर, तीन कबूतर लाए थे जिनसे एक भाग गया और दो कबूतर मौजूद हैं और ये कबूतर इनके साथ का कबूतर है। तो अभी हम इसे पिंजरे में बिठाते हैं और जो है एक और कबूतर वो बैठा हुआ है, उसे भी हम पकड़ के आप भाइयों को दिखाते हैं कैसा कबूतर है ये। तो इसे भी हमने पकड़ लिया है, थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि एक हाथ से मोबाइल है और एक हाथ से कबूतर पकड़ा जा रहा है, तो इसके लिए कबूतर भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम कबूतर को सही तरीके से पकड़ के फिर आपको उसका भी शौक करवाते हैं। ये वो चांदना कबूतर है, आप देख सकते हैं चांदना कबूतर है और दोगली आँख का कबूतर कहता है कहलाता है ये। तो ये देखें इसके पर हैं, ये कली जो है ये टूटी हुई है, आपको भाइयों को अगर नज़र आ रही हो मोबाइल में, टूटी हुई कली है, बाकी परों से पूरा है कबूतर, ये देख सकते हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसे हम चांदना कबूतर कहते हैं और माशाल्लाह से दुम जो है इस कबूतर की मैं आप भाइयों को दिखा दूँ, तो दुम जो है इस कबूतर की आप देख सकते हैं, ये देखें नई दुम निकल रही है कबूतर की, पूरी दुम माशाल्लाह से आ रही है। तो ये है इसकी दुम, पूरी दुम आ रही है। तो ये देखें ये दुम है और पूरी की पूरी आ रही है कबूतर जो है माशाल्लाह से, बिल्कुल बेहतरीन कबूतर है। तो अभी इसे हम खोलेंगे
और फिर आपके साथ इसकी वीडियो जो है वो भी शेयर करेंगे किस तरीके से ये कबूतर खुला जा रहा है। और इसे हम कहते हैं चांदना कबूतर है, ये चांदना कबूतर है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा कबूतर है। तुम आ जाएगी तो माशाल्लाह फिर बहुत अच्छा और हसीन कबूतर लगेगा। तो ये देखें आप कबूतर का स्टैंड, देखें कैसा कबूतर है, और माशाल्लाह से नर कबूतर है, दोनों ही नर कबूतर हैं माशाल्लाह से। और वो जो बैठे हैं वो पकड़े हुए कबूतर हैं, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। और दोनों कबूतर जो हैं ये हटाने हैं, इंशाल्लाह हटा देंगे। और बाकी जो हैं कबूतर अपने बैठे हुए हैं सारे बाहर, जो एक हाथ उठाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये उड़ा दिया है सारा कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कबूतर सारा उड़ चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर उड़ चुका है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं कबूतर कहां से कहां निकल गया है। तो हम पहले आते हैं इन्हें बिठाते हैं, और हमने दाना पानी भी कुछ भी नहीं निकाला हुआ है, सिर्फ ऐसे ही कबूतर खोले थे और आपके साथ वीडियो में थोड़ा शेयर कर रहे थे। बिठा देते हैं इनको। ओ तो ये देखें ये आके कबूतर छत के ऊपर, ये तो ये आके उतर रहे हैं कबूतर, ये उतर चुके हैं कबूतर, देख सकते हैं आप। क्योंकि हमने इनको ना पानी का बर्तन वो रखा हुआ है दाने का, हमने निकाला ही नहीं है दाना इनके लिए कुछ भी, सिर्फ कबूतर खोले छोड़ दिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमें भी दुआओं में याद रखें माशाल्लाह से। तो ये बस, काफ़ी भाई माशाल्लाह से कमेंट्स करते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता तो माजरत, नाराज़ मत हो, इंशाल्लाह फुर्सत से कभी इंशाल्लाह जवाब भी देंगे। तो मैं छत पर आया हूँ, कबूतर उड़ा रहा हूँ, यहाँ पर नेट नहीं है, नेट का बड़ा प्रॉब्लम है, नेट नीचे होता है घर पे और लाइट चली जाती है तो तब भी नेट नहीं होता है, नेट का यहाँ पे बहुत तकलीफ़ और बहुत परेशानी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हम मिलेंगे अगली बार अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।